हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बात करेंगे लोअर पीसीएस परीक्षा के बारे में। पिछली बार ये विज्ञापन 2019 में जारी हुआ था और ये पिछली बार का ही विज्ञापन है। फिलहाल ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पीईटी 2023 के बाद लोअर पीसीएस के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और क्योंकि इसका जो विज्ञापन है वो लगभग जारी हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुका है। 30 जनवरी 2019 को जो विज्ञप्ति आई थी पिछली बार, ये आई थी। इसके बाद कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो कई बार जो अभ्यर्थी थे उनको लगा था कि पीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं और आगे चलकर हो सकता है कि पीईटी के आधार पर ही लोअर पीसीएस के लिए वैकेंसी आए। लेकिन दोस्तों, यहां पर लोअर पीसीएस के लिए कोई भी वैकेंसी के बारे में अभी फ़िलहाल तो कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो लोअर पीसीएस होता है, इसके अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, सहायक उद्यान निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के अंतर्गत और अधिशासी अधिकारी, ये बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होती है जिसको आप ईओ के नाम जानते हैं। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक के भी पद होते हैं। पिछली बार कुल मिलाकर 348 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था और अब जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं लोअर पीसीएस 2024-2025। देखिए, ये अगली बार कब जारी होता है, क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं और ये बहुत ही शानदार नौकरी हुई होती है और इसमें जो पद आपको मिलते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है दैनिक भास्कर के माध्यम से कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के माध्यम से कौन कौन सी पोस्ट भरी जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए, राजस्व लेखपाल के लिए वैकेंसी आएगी। इसके अलावा मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग के लिए वैकेंसी जारी होगी। यूपी में ANM के लिए, सम्मिलित तकनीकी सेवा के लिए, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट के लिए, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के लिए, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर। तो ये कुछ पद हैं जिन पर भर्ती आएगी यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के माध्यम से। इसमें लोअर पीसीएस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल दोस्तों, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में कोई भी फिलहाल तो ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक घोषणा हुई है। हालांकि अभ्यर्थी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल लगातार पिछले 2 सालों से बता रहे हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। बाकायदा सिलेबस वगैरह भी जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि क्योंकि यह यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पूरी होती है, तो इसमें प्री और मेंस होता है, लेकिन दोनों में ही ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। फिलहाल फ्रेंड्स, जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि 2023 पीटी के आधार पर लोअर पीसीएस के लिए कोई विज्ञापन जारी होगा। फिलहाल बाकी कई सारे भर्तियाँ हैं जो कि आएंगी, लेकिन लोअर पीसीएस के बारे में फिलहाल कोई जिक्र अभी नहीं हो रहा है। अगर कोई अपडेट मिलती है तो आपको इसी चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा। वहीं पर फ्रेंड्स, पीसीएस 2024 के बारे में बात करें तो आज रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की लास्ट डेट है। अगर आज आप अपनी फीस जमा नहीं कर पाए तो फिर आप पीसीएस 2024 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीसीएस की परीक्षा में इस बार OTR लागू है। बिना OTR करे अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना OTR करना होगा, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। फीस मात्र ₹125 है। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि विज्ञापन में जो BSA का पोस्ट है, साथ ही साथ डाइट सीनियर लेक्चरर के लिए जो पद है, उस पर जो एलिजिबिलिटी है उसके मुताबिक कहीं से आपसे कोई कॉलम भरवाया नहीं जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह यूपी पीसीएस 2024 का ही नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो जो रिक्तियों की संख्या दी गई है, इसमें आपको कई सारे पद देखने को मिलेंगे, जैसे कि खंड विकास अधिकारी का भी पद है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी आपको पोस्ट शो हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य समकक्षी प्रशासनिक पदों पर, तो जो एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों इस पद पर आवेदन करने के लिए, वो मात्र PG होती है। अगर आप PG हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए पोस्ट होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए भी यहाँ पर पद हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ रहे हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो मुख्य रूप से
उनसे ना तो एमए के बारे में ना मतलब पीजी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, साथ ही साथ बीएड के बारे में भी कोई कालम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, फॉर्म मैंने भी भरा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी कालम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल आपको जो प्री की जो परीक्षा देनी है, तो प्री की परीक्षा देते वक्त अब बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं। नीचे जो ये कुछ विशेष पद दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इसमें तो कोई भी पद उनके पास नहीं है, मतलब कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन सी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी वाला जो पद है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 में भी आप नो कर सकते हैं। मतलब जो वहाँ पर चार कालम दिए गए हैं उसमें अगर आप नो कर देते हैं, उसके बावजूद भी स्नातक स्तर पर जितने भी पद हैं वो सभी पद आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं, जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं, अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, यहाँ पर आप अगर नो कर देते हैं, तब भी आपको जो है स्नातक वाले पद मिलेंगे, और स्नातक वाले पदों के लिए यहाँ पर कोई कालम नहीं बनाया गया है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीएससी का पद, एबीएससी या बीएससी कर लीजिए, इसके अलावा जो सीनियर डाइट लेक्चरर का पद है, तो उसके लिए भी कोई अलग से जानकारी नहीं मांगी गई है। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हैं, यूपीपीसीएस 2024 का फॉर्म भर देते हैं, तो आपको इन पदों पर जो है आगे चलकर जब आप मेंस देंगे तब आपसे आपकी अर्हता पूछी जाएगी। यानी कि प्री के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बस आप ओटीआर कर दीजिए और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे जानकारी मांगी जाएगी जो अतिरिक्त पद हैं, जैसे कि अगर आप आवेदन करेंगे सीनियर डाइट लेक्चरर के बारे में, तो उस पर भी आपसे जो है आप बीएड हैं या नहीं हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था तो बीएससी के बारे में, तो उस पर भी आपसे जो है ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बस आपको सिलेबस क्या होगा ये भी कई लोग पूछ रहे हैं, तो सिलेबस वही है जो प्री का है और मेंस का है। ठीक है, तो कोई अलग से सिलेबस यहाँ पर नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2024 के बारे में एक जानकारी और मिल रही है कि अभी फ़िलहाल तो जो है ओटीआर भी हो रहे थे और लगातार आवेदन भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डेट्स बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन कुछ तय नहीं है कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कुछ दिनों का और मौका मिल सकता है, ये ऐसा अखबार लिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आगे चल के दो चार दिन, एक आध हफ्ते के लिए आवेदन जो तिथि बढ़ जाए। फिलहाल तो परीक्षा तिथि तय है और ये 17 तारीख को है, 17 मार्च को। एपीएस के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार खबर है, और निश्चित रूप से ये जो खबर है ये लागू होगा एआरओ के लिए भी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी में जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कुर्तिदेव पर होता है, लेकिन क्योंकि एपीएस में पहली बार कंप्यूटर पर कुर्तिदेव और मंगल दोनों को अलाउ किया गया है, तो आगे चलकर हो सकता है कि जो एआरओ के लिए भी है उसमें भी मंगल इंस्क्रिप्ट अलाउ कर दिया जाए। वैसे पूरी उम्मीद है कि मंगल टाइपिंग में रहेगा जब आप एआरओ के लिए सफल होंगे। फिलहाल दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि अपर रजिस्ट्री सचिव यानी कि एपीएस की प्रारंभिक परीक्षा पहले चरण की जो परीक्षा थी ये 7 जनवरी को हुई थी, और इसके बाद अब जो अगला चरण है उसमें अब टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आंसू लिपि कर की जो परीक्षा होगी करवाई जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि दूसरे चरण में आंसू लिपि हिंदी के 75 अंक की परीक्षा होगी और कंप्यूटर टाइप टेस्ट की 25 अंकों की परीक्षा हो रही है। आंसू लिपि कौशल और टंकड़ परीक्षा के लिए कुर्तिदेव फॉन्ट के साथ मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट का भी विकल्प आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से मंगल जो है, मैं खुद मंगल पर ही टाइप कर पाता हूँ, तो मंगल मुझे आसान लगता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। कुर्तिदेव को अगर आप कॉपी पेस्ट करें तो वो फॉन्ट सब चेंज हो जाते हैं और चीज़ें जो होती हैं यथारूप में नहीं रहती हैं, मंगल मुझे बेटर लगता है। फिलहाल ये मेरी अपनी राय है। तो चलो आगे चल के अगर मंगल फॉन्ट पर आपको टाइपिंग करने का मौका मिलता है एपीएस में और आरओ एआरओ में, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा बदलाव रहेगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने खुद आके बयान दिया है। एक्चुअली में क्या हुआ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देश के उस मसौदे पर रविवार को विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें कहा गया कि SC ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। तो SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, ये डिक्लेरेशन आया था UGC की ओर से। बशर्ते कि इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो। कांग्रेस ने इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटा खत्म करने की साजिश करार दिया। हालात ये हो गए कि देर शाम
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी स्पष्ट करना पड़ा कि एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्राध्यापकों के कैडर के आरक्षण में अधिनियम 2019 के आने के बाद आरक्षण में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने UGC के मसौदे पर अमल होने से साफ इनकार किया। यही नहीं, खुद UGC अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने भी सफाई दी कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई आरक्षण रद्द नहीं किया गया है और न ऐसा कोई कदम भविष्य में उठाया जाने वाला है। यही नहीं, उन्होंने जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में बैकलॉग वाले आरक्षित पदों को भरने की बात भी कही है। असल में UGC के दिशा निर्देश के नए मसौदे में कहा गया कि अनुसूचित जाति मतलब SC ST और OBC के लिए आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे जनरलाइज यानी कि अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति लागू करने के दिशा निर्देश के तहत UGC समेत सभी हितधारकों से उनकी राय मांगी गई है। बता दें कि आमतौर पर सीधी भर्तियों के मामले में किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध रहता है। शिक्षा मंत्रालय ने UGC के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद रविवार को एक्स पर पोस्ट जारी करके कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को सख्ती से 2019 अधिनियम का पालन करने को कहा है। UGC के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीकों की राजनीति करती है। यह उसकी उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC पदों से आरक्षण खत्म करने की साजिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने UGC के इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि कुछ साल पहले RSS के सर संघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात की थी। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं GNU के छात्र संगठन JNU SU ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की और कहा कि वह UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार का पुतला भी फूकेंगे। फिलहाल ये पूरा मैटर है और इसी के साथ आपको बता दें कि रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों के आकलन कर होगी भर्ती। तो राजेंद्र नगर में सहायक लोको पायलट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे महकमा हरकत में आया है। पटना में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व मध्य रेलवे के GM अनिल कुमार खंडेलवाल ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हर साल रिक्तियों का आकलन कर भर्तियां होंगी, इससे हर अभ्यर्थी को हर वर्ष मौका मिलेगा। मतलब ये कि हर साल जो भी रिक्तियां रहेंगी उस पर जो वैकेंसी निकाली जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरा फायदा यह भी होगा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा पास करेंगे उन्हें तुरंत नियुक्ति कर दी जाएगी, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की नियुक्ति से जुड़े नोटिफिकेशन में यह लिखा होता है कि जिस समय परीक्षा होगी, पैनल जब बनेगा, उस समय अगर रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो रिक्तियां बढ़ाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल होगी। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात और नियुक्ति की कर रहे थे मांग, फिलहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। तो पूरा मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी काफ़ी समय से नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रसिद्धी विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इस सूची को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 13 मार्च 2023 को रद्द करते हुए पूरी सूची को पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में कुछ अभ्यर्थियों ने अपील दायर की है। इनमें से कुछ अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इको गार्डन में धरने पर हैं। तो ये पूरा मामला है, फिलहाल जो भी रहेगा आगे आपको पता चलता रहेगा। और फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तब प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक दोबारा एक नए वीडियो में। थैंक यू।